दोस्तों, मैं हूं जीतू और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतू रिवॉल्यूशनरी फार्मर में। तो हरियाणा प्रदेश की शान, हरियाणा नस्ल की ये जो गोधन है, गांव है दनोदा खुर्द और युवा साथी हैं और इनकी ये जो गोधन है काफ़ी श्रेष्ठ। ये देखें, चेहरे की जो सुंदरता है, सींगों की जो बनावट है, हम्प की जो पोजिशनिंग है और ब्रिस्केट दोनों पैरों के बीच में जो नीचे पैरों के बीच में जो वो कुकुंद है, वो उसको अंग्रेजी में ब्रिस्केट कहते हैं। गलकंबल अगर देखें तो सटीकता काफ़ी लाजवाब। और क्या कुछ डिटेल है उसके लिए इनके पास जरूर लेकर के चलेंगे। एक बार उससे पहले चला करके दिखा दें। हाँ, तो ये देखें, बहुत बढ़िया। ले आओ, अंदर ले आओ। एक बार और अगर चला करके दिखा दे तो पीछे रियर अडर जो है वो दिखा दो। हाँ, ले आओ। ये देखें, यहाँ पर बांधने की व्यवस्था है, क्योंकि सर्दी अभी काफी है इसलिए आग यहाँ पर जला रखी है। बहुत बढ़िया, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ एक बार। ये देखें, अडर क्वालिटी जो है, शाम के समय, रात के समय इसने बच्चे को जन्म दिया था। रात को बच्चे को दूध पिलाया है, सुबह फिर बच्चे को दूध पिलाया है और अभी दोपहर का टाइम है। ये इसकी अडर की जो पोजीशन है, ये काफ़ी अच्छी। बहुत बढ़िया, ले आओ। नहीं तो यहीं रोक लो, एक मिनट यहीं रोक लो। तो ये जो इनकी गोधन है, गांव है दनोदा खुर्द, युवा साथी हैं यहाँ पर। मैं शुभ नाम आपका जरूर जानूं। जी जी, नमस्कार जी। रामेर नैन। तो बस छोड़ दो, काफ को नीचे रख दो, बस यहीं बनती है ये। हाँ, यहीं बनती है, ठीक है। वो अपनी जगह पर चलेगी। आ जाए आ जाए, छोड़ दें काफ को। डिटेल बताएं गोधन की, जो डिटेल है। तीसरे ब्यांत में है जी, और ये शक्ति से प्रेग्नेंट थी। अच्छा, शक्ति से प्रेग्नेंट करवाई आपने। जी जी जी। हाँ। तो सीमन आप लेकर के आए। हाँ। जो आपने बात बताई सुस्पष्ट, 13 सीमन आप लेकर के आए थे। हाँ। एक डॉक्टर के पास रख दिया। हाँ। और 12 को आपने प्रयोग किया। हाँ। जिसमें से तकरीबन सिर्फ एक। अच्छा अच्छा, यही गाय रुकी। हाँ। जो बात है वो सुस्पष्ट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये देखें, तो जो गोधन है इसकी आपने मिल्क रिकॉर्डिंग में लगाया था पिछले साल जी, तो क्या कुछ दूध तो इसने निकाला था वो बताएं। 10 के करीब निकाला था और ये उस समय 10 दिन की ब्याई थी। कितने दिन की ब्याई थी? 10 दिन की। 10 दिन की ब्याई हुई थी। अच्छा अच्छा, और 10 किलो दूध उस समय निकाला था, दर्ज करवाया था। तो कौन से डॉक्टर ने ठंडे टीके लगा दिए, इस करके कम दूध था। अच्छा अच्छा, तो अभी ये कौन से ब्यांत में है? ये तीसरे ब्यांत में। तीसरे ब्यांत में है। तो इस बार तीसरी बार काफ को जन्म दिया है और गोधन की आप सुंदरता देखें, सर्वश्रेष्ठ। और जो बछड़े को यहाँ पर जो जन्म दिया है वो आप देख सकते हैं। तो ठंडे टीके किस लिए लगवाए थे आपने? ये लाल लाल ये डालने लग गई थी। अच्छा, डिस्चार्ज। हाँ, डिस्चार्ज, ठीक है। लगी थी, उसने 2-3 टीके लगा दिए ठंडे। ब्याने से कितने दिन पहले? ये कम से कम 3-4 महीने पहले। 3-4 महीने पहले। हाँ। अच्छा, कुछ ललवासा सा दिखा दिया था इसने। ठीक है ठीक है। तो इसी की बेटी आपने बताई ये? हाँ, ये जो है ये इसी की बेटी है, पिछले ब्यांत की। ये देखिए, एच इक्कीस की बेटी है। HLDB H21 की बेटी है भाई। बहुत बढ़िया, एक बार चेहरा और आने दे जी। बस ये देखें, बस। ठीक है, तो ये देखें, पिछली बार की ये बछिया है, इस बार इसने एक मेल काफ को जन्म दिया है। तो इस बार जो अडर की पोजीशन बन के आई है वो काफ़ी अच्छी। हाँ, आई पिछली बार फुल तैयारी के साथ आई है। अच्छा, फुल तैयारी के साथ आई है, तो देखें काफ़ी अच्छा। तो बाबू जी, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई कि पुराने जमाने से ही। हाँ, गाय हमेशा रखते आए। हमेशा रखा ने। हमेशा रखते आए। हाँ, आपके पिताजी भी रखते थे। हाँ, रखा ने हम भी। अच्छा। हाँ, मैं पाली रहा था। आप पाली रहा करते? पाली रहा था मैं। मैं छोटा मैं भी गाय बीच रह के लिए आता मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अब तो पालियों का जमाना खत्म हो गया, अब तो पाली नहीं रहते। तो कोई नहीं, तो खेत में जान जी कोई नहीं, पहले जा करके। अच्छा। हाँ। पहले गांव में काफी पाली होया करते। हाँ, बहुत जोर से जमा। अच्छा, पशुधन को लेकर सारे दिन चरा के लेके आया करते, चरा करते खेत में। अच्छा अच्छा, आजकल तो ठंड में कोई नहीं फिर। हाँ हाँ हाँ, नहीं वैसे भी आज के जमाने में भी पाली थोड़े कम हो गए। कम हो गए। आप कितने भाई थे? आप मैं 6 भाई। 6 भाई थे। अच्छा, उसमें से आपकी जिम्मेवारी पाली की थी। हाँ, पाली की जमा। खेती कितने संभालते थे? खेती जो छोटे भाई। अच्छा, कितने थे, कितने संभाल? और तो छोटे थे मेरे तो। अच्छा, सारे एक बड़ा था, एक बड़ा था, गुजर गया था। अच्छा, वो गुजर गए थे। फौज में नहीं गया कोई आपका भाई? फौज में एक डॉक्टर था। अच्छा, एक डॉक्टर थे।
तो ये पुराना जमाना, पुरानी व्यवस्थाएं हुआ करती थी। तो आपके कितने बेटे हुए? आपके मेरे एक लड़का, बस एक ही, छह से एक पर आगे गुजर गए थे तो। अच्छा अच्छा, दो गुजर गए, ठीक है ठीक है। अभी बेटे की शादी कर दी? हाँ कर दी, कर दी। दो पोते हो रहे? अच्छा दो पोते हो रहे, ये दोनों है ना? एक तो यू है, अरे छोटा सुटिया छोटा। अच्छा सो रहा है, सो रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये इनकी गोधन है जिसने पिछले ब्यांत में सेकंड टाइमर ने 10 दिन की ब्याई हुई ना 10 ही किलो दूध दर्ज करवाया था। आपने बताया कि पिछली बार कुछ घर में दिक्कत हुई थी, इसलिए मुझे ज्यादा केयर नहीं कर पाई, केयर नहीं कर पाई थी। अचानक से डॉक्टर साहब का फोन आ गया, भाई आप गोधन को लेके आओ। अच्छा अच्छा अच्छा, रिकॉर्डिंग करवाएं। तो फिर आप यहाँ से कितनी दूर है वो हॉस्पिटल? यहाँ से 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर पैदल लेके जाते थे? हैं, पैदल लेकर के जाते थे। और शांत है बिल्कुल गोधन? एक बार जाएं, एक बार हाथ हूथ फेर करके दिखाएं लेवटी लुवटी के ऊपर। बस बस बस, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, उसलिए थोड़ा सा कर रही है, अन्यथा गोधन काफी श्रेष्ठ है। और ये देखें, शक्ति ब्लड लाइन का एक मेल काफ इनके पास आया है। ललवासा जो रंग है, ये जैसे जैसे महीना, दो महीना, तीन महीना, चार महीने का होगा, वैसे वैसे सफेद रंग इसका होता चला जाएगा। ये देखें, तो आपके जमाने में तो बाबूजी काफी गायें रखा था। हाँ, खूब रखे थे। अभी गायें थोड़ी गांव में भी कम, हाँ, कम रखा, कम होगी। तो पहले ऐसी देसी गायें, यही वाली जमा, देसी सरुए था मैं, बिल्कुल सफेद रंग वाली जमा। अच्छा, खूब रखे थे जमा। अच्छा, तो अब तो जमाना पलट गया, पलट गया। अब तो भैंसों का ज्यादा जमाना आ गया। तो आपने बताया कि कटड़ी जो है वो भी काफी अच्छी, आपने जी M29 की ऊंचा बोले, M29 की। ये देखें, ये जो नन्ही कटड़ी है M29 की, ये फीमेल काफ इनके पास आई है। और एक और जो आपने बताई, और कौन सी किसकी बेटी है वो? तो अच्छा, तो वे नॉर्मल, वे नॉर्मल है, वो नॉर्मल। अच्छा, वो है, वो भी सीमन की है। और ये जो है, ये लाल वाली बच्चिया, ये अपने देसी जो गांव में नंदियों पे उसकी है। अच्छा अच्छा, देसी सा। चलो, तो काफी अच्छा गोधन, ले जाएं अंदर, ले जाएं, सर्दी ज्यादा। नमस्कार भाई। तो युवा साथी हैं, आप भी दनोदा से ही हैं? जी, दनोदा से ही हैं भाई, बहुत बढ़िया। एक भी एक गाय आप भी रखते हैं घर पे? नहीं जी। अच्छा, अब अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो ले, चलो भाई, चलो चलो। ये देखें, सुंदरता अति अति सराहनीय। चलो, ये देखें, चल चल चल, आज आज नहीं चल, कोई बात नहीं, ये अपनी जगह पर खड़ी होगी, वहां वहां चढ़ के आएगी। आए ले, तो इसको बाहर कहीं जोड़ जाड़ पे नहीं लेके जाते आप? अच्छा, घूमने जाती है? अच्छा, चलो बहुत बढ़िया है, फिर बहुत बढ़िया, ले आओ। जंगल में तो देखें, जो पुरानी जो व्यवस्था थी कड़ियों की, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे आगे नून है। नमस्ते नमस्ते मेरा बेटा, नमस्ते। अच्छा, ये आपका छोटा बेटा है? छोटा। अच्छा, चलो भाई, बहुत बढ़िया। राम राम, राम राम। किसका दूध पीते हो आप? भैंस का पीते हो, गाय का पीते हो? किसका? गाय का। अरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो नहीं, अच्छा भाई, कितने साल के हो गए बेटा आप? चार का। अच्छा, चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो इतना अच्छा गोधन दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपके एक बार संपर्क सूत्र में जरूर जाना चाहूंगा। 9698 66,000 पूरे, 6600 है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो गांव है आपका दनोदा खुर्द, जिला है आपका जींद, और तहसील है नरवाड़ा, बहुत बढ़िया। तो ये देख सकते हैं, दनोदा खुर्द का जो बाबा जियों ने जो सांड को छोड़ रखा है, उसको यहाँ पर
कवर करते हुए ये देखें। कई बार हमें हरियाणा नस्ल में गेहुआ रंग भी देखने को मिलता है। अभी तक हमने जो रंग देखे वो लाखा रंग था या फिर श्याम रंग जिसे कह सकते हैं, सफ़ेद रंग। लेकिन ये जो बुल है इसके ऊपर जो आपको ललवासा रंग जो देखने को मिल रहा है, बहुत बढ़िया। ये देखें, ये देखें। तो नंदी को देवता स्वरूपी कहा गया है। तो ये देखें, थोड़ा सा नाराज जरूर। तो आपने बताया कि कहाँ चोट लगी है इसके? करंट लग गया था। आगे आ जाओ, आगे आगे बताओ इसको जी। हाँ, करंट लग गया था। करंट, करंट कैसे लगा? उधर साइड खाली जगह है, उसमें एक पोल था, वो गिर गया। अच्छा अच्छा, बारिश के मौसम में। हाँ हाँ, तो इसे करंट लग गया था। फिर ये 6-7 दिन इधर बैठा रहा। अच्छा, फिर इसको इंजेक्शन लगाए। फिर अच्छा ठीक हुआ, ठीक हुआ। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हाँ हाँ जी, हाँ जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, तो पुट्ठे में फर्क आ गया। हाँ, फर्क आ गया। अच्छा अच्छा, टांग में भी दिक्कत आई है। नहीं तो आप ये सिंगों की बनावट देखें, टिपिकल नीचे की ओर जाते हुए, माथे में थोड़ा सा ललवासा रंग है और जो कुकुंद है और गेहुआ रंग जो है वो इसके पूरे शरीर के ऊपर है। लाल कौन सी? अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो आपने, अच्छा वो इसी की बेटी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उठाएं एक बार, उठाएं एक बार, थोड़ा सा उठाएं ताकि इसका पूरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो समझ में आए। तो देखें कितना शांत। और एक और जो महत्वपूर्ण चीज देखने को मिल रही है कि चार आदमी पास खड़े हैं लेकिन जुगाली बंद नहीं की, जुगाली इसकी निरंतर जारी है। भाई बहुत बढ़िया। अच्छा, ये है वो जिसको आप देखने के लिए गए थे? कैसे आते हैं लाखे रंग में? नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं, सर्दी में आ जाता है रंग। अच्छा अच्छा, तो पैर में क्या दिक्कत हुई इसके? पैर तारा में मैं तारा में ये कट रहे, नस कट गई इसकी। वजह बताया आपने इसके? इसके बहुत बढ़िया बच्चे हैं ना। रंग में रंग नीला रंग का तो थोड़ा सा श्याम रंग। नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं। हां, सर्दी का। बच्चे इसके कौन से रंग में आ रहे? सफेद भी आवे हैं? हां, सफेद भी आवे हैं। आवे हैं ना, दिल्ली उसमें आवे हैं, थोड़े थोड़े लीले उसमें आवे। अच्छा, तो ये अपने महाराज जी ने छोड़ रखा है, बाबा ने छोड़ रखा है? हां, बाबा ने छोड़ दिया। अच्छा, कितने साल का हो गया है कुछ अंदाजा इसका? 8-8 साल का। जवान दिख रहा है ज्यादा। बावन का मौका चबूतरा है, सर्व जाति है, सभी अच्छा। सभी जाति है, सभी धर्म का। अच्छा, हाँ, यही पर बड़े बड़े फैसले होते हैं। अच्छा, हाँ, तो आपने बताया कि हर फूल जात को सवा शेर की उपाधि भी विनायक साहब ने ही दी। अच्छा अच्छा, हाँ, उसने नरवाणा और थे जी जी जी। हाँ, तो नैन खाप है यहाँ पर। और आपने बताया कि अंदर जो प्रोग्राम चल रहा है वो गौशाला के लिए चल रहा है। अच्छा, करोड़ों का चंदा इकट्ठा। अच्छा, चंदा एकत्रित करने के लिए इसके अंदर अभी प्रोग्राम भी चल रहा है। तो भाई बहुत बढ़िया। तो गौ भक्त हुए थे हमारे हरफूल जाट, जिन्होंने एक के बाद एक अनेकों हत्थे तुड़वाए थे वहाँ पर। तो इसी खाप के द्वारा यहीं पर उनको सवा शेर की उपाधि से सम्मानित किया गया भाई बहुत। तो युवा साथी हैं गांव दणोदा से ही। और ये देखें, इनकी ये जो बचिया है हरियाणा नस्ल की, H460 ब्लड लाइन है। तो जो रिजल्ट फील्ड से कवर करते हुए, तो हरियाणा नस्ल के सांडों का, कौन से सांड का, किस प्रकार का, कैसा रिजल्ट है, वो आप इन वीडियोज़ के माध्यम से साक्षात देख सकते हैं। ये देखें, इसके सींग दबा रखे हैं क्या आपने? नहीं जी। अच्छा अच्छा, अभी निकलेंगे, निकलेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो क्या कुछ आयु है इसकी? इसकी 2 वर्ष हो गई जी। इसकी माँ आपके पास ही थी? हाँ, मेरे पास जी, अभी रिश्तेदारी में चली। अच्छा, रिश्तेदारी में गई तो वो के लिए दे रखी है। अच्छा, वही शक्ति से ज्ञापन है? हाँ, वो सब। अच्छा, वही शक्ति से ज्ञापन। कितने सीमन रखवाए थे आपने? 2। अच्छा, 2 रखवाए थे। ठीक है, एक सुबह एक शाम। एक सुबह एक शाम, ठीक है, ले जाएं।
तो व्यक्तिगत तौर पर मेरा इस तरह का कोई उद्देश्य नहीं है कि शक्ति के सीमन दिए जाएं। वो एक बार निकलवाए थे उस समय और वो अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन जहां पर जिन्होंने रखवाए किस तरह का उनका क्या कुछ रिजल्ट आया वो सुस्पष्ट। ठीक है ले जाएं। तो काफ़ी अच्छी बॉडी वेट में 2 साल की ये बच्चिया है। माँ इसकी जो थी वो अभी किसी रिश्तेदारी में गई हुई। ले जाएं जहां पर बांधते हैं बांध दे। ये देखें H460 जो कि HLDB ब्लड लाइन का काफ़ी मशहूर सांड है, उसी की ये बेटी है। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शांत है बिल्कुल? बिल्कुल जी शांत है। ठीक है ले जाओ। ये देखिए अच्छा, अभी दांत नहीं किए है, खीरी है ये, अभी करें। ये देखें सुंदरता जो है अति सराह। कोई बात नहीं। वो बछड़ा है या बछड़ी है? वो बछड़ा है, किसका का? बस। हाँ तोड़े हैं अभी बस एक। हाँ ठीक है। और H21 बुल HLDB का एक और बाहर लिया हूँ जो है, उसका रिजल्ट भी यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे। तो H21 की बछड़ी तो आपके यहाँ पर देखी। हाँ। और बछड़ा ये है। हाँ। ले जाए भाई। तो नाथ विरोधी इसकी हो? हाँ जी। कितने साल का हो गया? एक साल का भी नहीं हुआ है। अच्छा 25 फरवरी को एक साल का होगा। इससे पहले की तो ये है। अच्छा और इसके बाद इसका बाद का ये अभी और अभी उसकी माँ, इसकी जो माँ, इनकी माँ है वो ब्याएगी। किसी भी ब्याएगी तो उसका क्या कुछ दूध है आपकी उस गाय का? उस गाय का दूध जी। हाँ उसका 13 लीटर जी। 13 लीटर दूध भाई। अच्छा अच्छा तो आप इसी गाँव के डॉक्टर हैं? तो ये गांव दनोदा में ही एक महाराज जी का, एक बाबा का जो डेरा है वहीं पर, वो जो अभी सांड हमने कवर किया उसी की बेटी को यहां पर आपको दिखाते हुए ये देखें। तो ये भी शुद्ध हरियाणा नस्ल में ही है। थोड़ा सा गेहुआ जो शरीर के ऊपर, बदन के ऊपर जो थोड़ा सा रंग रह जाता है, थोड़ा नाराज हो रही है। बाकी थोड़ा सा सींगों के आसपास भी हमें ललवासा रंग देखने को मिलता है, ये मिलता है। लेकिन कद काठी में, हाइट में, ऊंचाई में, बॉडी मेक में, और अभी से देखें पता नहीं गर्भवती है या नहीं है, या बिन है। ये देखें धीरे धीरे जो अडर को खोल रही है वो काफ़ी बेहतरीन। अब कलर पैटर्न देखें, ये टिपिकल हरियाणा का है। तो 3 रंग अभी जो हमने देखे हैं हरियाणा ब्रिड में, जो आम तौर पर हमें देखने को मिलते हैं, सफ़ेद रंग की बिल्कुल श्वेत सुंदरी, श्याम रंग में लाखा रंग भी कहते हैं, और ये जो रंग है आप ये देखें गेहुआ रंग में भी हमें अभी काफ़ी जो फील्ड में अब घूमे हैं, देखे हैं, इसके बारे में जो जानकारी जुटाई है, तो गेहुआ रंग भी हमें हरियाणा नस्ल में किसी किसी गोधन में देखने को मिलता है। तो ये जो ब्लड लाइन है इसको संरक्षित करने की आज आवश्यकता है, अन्यथा केवल और केवल हरियाणा नस्ल को सफ़ेद सुंदरी बना करके न छोड़ दें। सही। तो इन्होंने वो सांड को पंचायती सांड करके छोड़ा था, ऋषि की बेटी जो है वो एक महाराज जी के पास है। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। और एक चीज़ और जो जानकारी इन्होंने दी कि ये जो जाल पील का इसे पौधा कहते हैं या वृक्ष इसे कहते हैं, ये देखें आप नीचे से चूरू, राजस्थान, झुंझुनू, सीकर, वहाँ पर ये प्राकृतिक तौर पर ये वनस्पति है, लेकिन आज यहाँ पर तकरीबन विलुप्त हो गई। कोई पेड़ बचा है? 5-7 पेड़। तो ये देखें इसको एक विशेष सम्मान या विशेष इसके लिए ये जो चौतरा बनवाया गया है, यहाँ पर अगर आप देखें तो पक्षियों के लिए, पंछियों के लिए दाने डाले जाते हैं। तो ये काफ़ी पवित्र जाल का पेड़ होता था और इसका कोई बीज नहीं होता। इसका जब चिड़िया
इसको खा करके और बीट के माध्यम से कहीं से गिराती है, तो प्राकृतिक तौर पर ही ये ज़्यादातर बनते हैं। इसकी नर्सरी तैयार करके इस पौधे को तैयार करना, इस वृक्ष को तैयार करना, वो चुनौतीपूर्ण है। ये देखिए, देखो जी, अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा